नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए इस सुबह की पांच बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि सबसे पहली खबर आ रही है, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए पसंद नहीं है और ना ही उन्हें इंडिया गठबंधन पसंद है। आखिर मुकेश सहनी क्या चाहते हैं? उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जब तक उनकी जाति यानी निषादों को आरक्षण की बात नहीं होती है, तब तक वो किसी भी पार्टी में जाना पसंद नहीं करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो महागठबंधन या फिर जो गठबंधन हमारे निषादों को आरक्षण देगा, उसी के साथ उनका गठबंधन होगा, अन्यथा वो किसी के साथ जाने वाले नहीं है। स्कूलों के फंड में पड़े हैं 1200 करोड़ रुपए, खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं के पाठक भड़के। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक स्कूलों को छात्र कोष और विकास कोष की पड़ी राशि 31 जनवरी 2024 तक खर्च करने की मोहलत दी है। विभाग ने कहा है कि इस तय समय तक राशि खर्च नहीं हुई थी, 15 लाख से अधिक राशि सरकारी कोष में जमा की जाएगी। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। के पाठक ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि छात्र कोष और विकास कोष की राशि कई माध्यमिक स्कूलों के द्वारा खर्च नहीं की जा रही है, जबकि राज्य के माध्यमिक स्कूलों में 1200 करोड़ की राशि अभी भी पड़ी हुई है। आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया, माइलेज ले रहे नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी के एक बार निशाने पर फिर से आए सीएम। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि प्रदेश में आरक्षण का बिल सर्वसम्मति से पास तो कर दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए अपना माइलेज ले रहे हैं। पिपराकोठी के झखरा में आयोजित भुइया महाराज और सबरी माता पूजा महोत्सव में भाग लेने से पूर्व बुधवार को पूर्वी चंपारण पहुंचे मांझी ने कहा कि काम सर्वसम्मति से हो और माइलेज सिर्फ सीएम ले, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। लखीसराय गोलीकांड के आरोपी आशीष चौधरी पर 50,000 का इनाम नंबर जारी हुआ, सूचना देने वाले का नाम रखा जाएगा गुप्त। 20 नवंबर को लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र के गली नंबर 9 में हुई गोलीबारी की घटना में फरार चल रहे मुख्य आरोपी आशीष चौधरी की उपस्थिति का सूचना देने वाले को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा पुलिस के द्वारा की गई है। पुलिस सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखेगी, इसकी घोषणा बुधवार को एसपी पंकज कुमार ने की है। आशीष चौधरी द्वारा प्रेम प्रसंग में की गई अंधाधुंध गोलीबारी में अब तक यही परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के विभिन्न विभागों में 2381 नए पदों का सृजन होगा, 3600 नई बसें चलेंगी, नीतीश कैबिनेट के फैसले सामने आए। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 2381 पदों के सृजन को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्रामीण बसावट में संपर्क पथ और पुलों के निर्माण व रख रखाव देखने के लिए 2261 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा राज्य भर में 3600 नई बसें शुरू होंगी, इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर मुहर लगाई गई है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।